हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अनामिका अहरवार। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस, प्रोसेस एंड फाइल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूजर के और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम का काम करता है कि जो इंस्ट्रक्शंस यूजर कंप्यूटर को देगा करने को, वो परफॉर्म करेगा और वापस से रिजल्ट किसको दे देगा? यूजर। ठीक है, बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? मैनेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग अ यूजर इंटरफेस एंड एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन। मतलब क्या करेगा ये? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, जैसे कि हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड आ गया, सीपीयू आ गया, माउस आ गया, ठीक है, आपका हेडफोन आ गया, ये सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज। सॉफ्टवेयर में क्या हो गया? आपके कुछ एप्लीकेशंस हो गए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, कोई भी मीडिया का हुआ या फोटो व्यूअर हुआ, कुछ भी, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज हुई, कोई C++ में आपका जावा है, ये सारे। ठीक है, प्रोवाइड एन यूजर इंटरफेस एंड एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन। एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना यूजर को जिसमें कि वो अपनी एप्लीकेशंस को क्या कर सके? एग्जीक्यूट करा सके। ठीक है, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स के, जैसे विंडोज में आप लोग काम करते हो, ठीक है, ये विंडोज NT है, 95 है, विंडोज 10 है, 7 है। ठीक, अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स एंड्रॉयड, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? कुछ लेयर्स होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे आपने नेटवर्किंग में OSI लेयर्स पढ़ी होंगी, OSI मॉडल के लेयर, 7 लेयर्स पढ़ी होंगी, इसी तरह इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? वो हार्डवेयर, कर्नल, सिस्टम कॉल्स और यूजर स्पेस। हार्डवेयर में जैसे कि नाम से आपको पता है, फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस। ठीक है, सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी जो पूरा बेसिकली जो इंस्ट्रक्शंस है परफॉर्म करेगी, एग्जीक्यूशन करेगी। ठीक है, जैसे सीपीयू को आप ब्रेन भी बोलते हो। ठीक है, मेमोरी जहाँ पे वो चीजें स्टोर होगी। ठीक, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जहाँ से हम इनपुट इसमें देंगे जो काम करने के लिए, और जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद या एग्जीक्यूशन होने के बाद उस टास्क का जो हम आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट डिवाइस में आपको शो होगा, लाइक मॉनिटर। कर्नल की बात करते हैं तो कर्नल इज बेसिकली द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हार्ड यूज ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी आपके सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए। कौन सा रिसोर्स आपको कब प्रोवाइड करना है? जैसे मान लो आपका एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम में आपको उस समय क्या चाहिए? बुक्स अवेलेबल होनी चाहिए, आपके पास नोट्स अवेलेबल होने चाहिए, या फिर आप लोग डिमांड करते हो कि मुझे क्रिकेट की जो गेम की जो किट है वो प्रोवाइड करा दो। तो उस समय आपके पेरेंट्स क्या प्रोवाइड कराना आपको ज्यादा बेटर समझेंगे, क्योंकि तो उस समय किन रिसोर्सेस की आवश्यकता थी? बिकॉज आपने एग्जाम में परफॉर्म करना था, तो क्या हमें उस समय उन रिसोर्सेस की आवश्यकता थी? आपके वेकेशन हो गए हैं, आपके सेमेस्टर्स, आप उसको जो क्रिकेट का या कोई भी गेम का कोई दूसरा रिसोर्सेस है आप उसको बाद में उस तरह से मैनेज करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कर्नल। सिस्टम कॉल की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है? इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता था? यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता था। ठीक है, सिस्टम कॉल क्या करेगा? मीन्स जिस चीज की आवश्यकता होगी उसे कॉल करके बुलाना तो पड़ेगा ना, तो इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने बता दिया कि ये चीजें करनी है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? जो एप्लीकेशन उसने हमसे आपने इनपुट दे रखा हो उन एप्लीकेशन को ओपन करना, एग्जीक्यूशन के लिए देना, प्रोसेस करना, ये किसका काम हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई एप्लीकेशन आपकी सही से परफॉर्म नहीं कर रही होती, तो कि मीन्स कुछ उसमें काइंड ऑफ बग या एरर आ जाता है, तो आप उसको दोबारा से उसको इंस्टॉल करने के लिए अनइंस्टॉल करोगे, फिर दोबारा से इंस्टॉलेशन करोगे, तब वो प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, यूजर स्पेस की बात करते हैं तो
ये क्या होता है, वेयर यूजर एप्लीकेशन रन। कोई भी चीज प्रोसेस कराने के लिए जगह चाहिए होगी, पहली बात तो उसको स्टोर कराने के लिए जगह चाहिए होगी, ठीक है, मेमोरी में। अब उसको रन कराने के लिए भी जगह चाहिए होगी, क्योंकि एक वो चीज कोई एग्जीक्यूट हो रही है उसको जगह तो दो। जैसे लिखने के लिए टेबल चाहिए, पेपर पेन है, लेकिन आप हवा में तो नहीं ना लिखोगे, तो आपको क्या टेबल बेस चाहिए रहेगा जिस पर रख के आप उसको लिख सको। मीन्स एक स्पेस चाहिए उस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोसेसेस इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ये देखते हैं। तो डेफिनेशन की अगर आप बात करते हैं प्रोसेस की, तो क्या होती है, प्रोसेस इज एन इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन करते समय एक जो प्रोग्राम के अंदर जो आप किसी भी चीज का एग्जीक्यूशन करते हो, मीन्स प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करते हो, उसमें एक इंस्टेंस आना, उसको प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स इसमें क्या होते हैं, दे आर बेसिकली फाइव कंपोनेंट्स। प्रोसेस आईडी, जिसको हम शॉर्ट में पीआईडी कहते हैं, प्रोसेस काउंटर, प्रोसेस स्टेट, रजिस्टर्स एंड मेमोरी। प्रोसेस आईडी क्या होता है, जैसे आपका एग्जाम में आपको एक रोल नंबर मिलता है, क्योंकि एक नाम से दो लोग हो सकते हैं ना, बट रोल नंबर यूनिक होते हैं, यूनिक आइडेंटिटी होती है। तो इसी तरह हर प्रोसेस के, जैसे P1, P2, P3 जो मेमोरी में स्टोर होते हैं, जो भी उसको एड्रेस दिया जाता है, तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिससे कि हम उस प्रोसेस को पहचान सके एग्जीक्यूशन के लिए। फिर होता है प्रोसेस काउंटर। प्रोसेस काउंटर में क्या होता है, इंडिकेट्स द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू एक्सिक्यूट। प्रोसेस काउंटर मीन्स बोलते हैं, जैसे आपके स्टेज परफॉर्मेंस एनुअल फंक्शन होता है, या किसी भी तरह का कोई कॉलेज में स्कूल में फंक्शन होता है, तो वहां पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी जाती हैं, जैसे लाइक ग्रुप सॉन्ग हो गया, ग्रुप डांस हो गया, या कोई प्ले हो गया, ठीक है। अब उन सारे प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन की एक लिस्ट दी जाती है कि ये सॉन्ग 3 मिनट का है, ये जो प्ले है वो 10 मिनट का है, और ये जो ग्रुप डांस है वो सपोज 5 मिनट्स का था। तो उनको पता चल गया इतना टाइम इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में, इस एनुअल फंक्शन में लगने वाला है, कब गेस्ट आएंगे, गेस्ट को मुझे कितना टाइम देना है। एंकर जो वहां पे होता है उसको ये पूरी लिस्ट दी जाती है, फिर बताया जाता है कौन सी, सब ग्रुप डांस वाले लोग पहले आएंगे या प्ले वाले लोग पहले आएंगे, तो कोई एक बार मॉनिटर करने के लिए खड़ा होता है, आपके टीचर या जो उस टीम का लीडर होता है, तो वो बताता है कि अब आपकी परफॉर्मेंस है, वेट कर रही होता है कोई ग्रुप उसके लिए, अब आप रेडी क्यू में आ जाओ, रेडी से फिर रहने में स्टेज पे आप जाके क्या करो, परफॉर्म करो, ठीक है। तो वहां पे क्या इंडिकेट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू एग्जीक्यूट, ये इंडिकेट करता है कि नेक्स्ट ऑफ कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है। अब प्रोसेस स्टेट मीन्स वो जो स्टेट है, जो अवस्था जिसे कहते हैं उस प्रोसेस से, किस स्थिति में है, कि वो क्या भी रन करेगी, क्या भी नहीं करेगी, या उसको और वेट करना है। तो कौन कौन सी ये स्टेट्स होती हैं, तो न्यू मीन्स कोई प्रोसेस नई क्रिएट हुई होगी, वो न्यू हो गया, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, वेटिंग हो गया, और टर्मिनेटेड हो गया, ठीक है। ये हम और नेक्स्ट जो आगे की यूनिट्स हैं उसमें हम और डेप्थ में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स बेसिकली क्या काम करते हैं, स्टोर टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो, आपके घर में सपोज एक बर्थडे पार्टी है, या कोई भी एक फंक्शन है, छोटी सी पार्टी रखी हुई है, ठीक है। अब उस पार्टी में आपके यहाँ पे सपोज 20 गेस्ट आने हैं, ठीक है। तो 20 गेस्ट के लिए आपको सीटिंग अरेंजमेंट देखना पड़ेगा, मे बी आपके मतलब जो हॉल है जिसको ड्राइंग रूम भी कुछ लोग बोलेंगे, तो वहां पे सोफा सेट हो, चेयर्स हो, वहां पे उतने लोगों की सीटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि एक घर में आजकल कितनी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ से 5 मेंबर्स, 6 मेंबर्स, ठीक है। तो हम सीटिंग अरेंजमेंट हमें किसके हिसाब से करना था, जो 20 गेस्ट आ रहे थे, ठीक है। तो हम जो चेयर्स हैं या सीटिंग जो भी हम स्टूल्स वगैरह देखने वाले हैं, उनको अरेंजमेंट वहां पे उस तरह से लगा देंगे, उस तरह से हम उस हॉल को डेकोरेट कर देंगे कि यहाँ पे बर्थडे पार्टी हो रही है, किस पर्सन की हो रही है, सपोज हमने उसका नाम भी लगा के उसको और डेकोरेट कर दिया, तो वो जो डेकोरेशन था, वो जो हमने अरेंजमेंट किया था चेयर्स का, सीटिंग अरेंजमेंट जैसे हम बोलेंगे, वो टेम्परेरी था, दैट इज नॉट परमानेंट एक्चुअली, क्योंकि टाइम बीइंग के लिए हमें 20 या 25 गेस्ट जो आने थे उनको बैठाना था, उनकी ऑक्यूपेंसी हमें देखनी थी, ठीक है। तो उसके बाद जब वो फंक्शन हो गया हमारा फिनिश, हमने उसको सब जैसे पहले था हमारा, हमने उसको एज इट इज पहले की तरह कर दिया, ठीक है।
मीन्स जो उस समय हमारी डिमांड आई थी उसको हमने कंप्लीट किया, ठीक है, टेम्परेरी, क्योंकि हम एग्जीक्यूशन कराना था तो उसको हम क्या रजिस्टर्स क्या काम करेंगे, स्टोर टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मेमोरी क्या करेगी, कंटेन्स द प्रोसेस स्टोर डेटा एंड स्टैक। कोई भी चीज हवा में तो होगी नहीं, कोई डेटा होगा, कहीं स्टोर होगा। जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो ना, तो सपोज उसमें जो C++ एक प्रोग्राम लिखा आपने, लिखने के बाद आपने उसको खोल तो लिया, एडिटर्स को प्रोग्राम लिख भी लिया, आप सेव कराओगे, सेव कराने के लिए कुछ जगह चाहिए होगी, आप एक मेमोरी, एक कोड के लिए मेमोरी के लिए, फिर आपकी सपोज एक जो लैब की फाइल है, प्रैक्टिकल फाइल जैसे आप बोलोगे, उसमें आपको 10 प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन कराते हैं, ठीक है। अब 10 प्रोग्राम का सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, एक हमें फ्रेंड फंक्शन का एक ओवरलोडिंग का प्रोग्राम बनाना था, और हमने कुछ प्रोग्राम्स उसके बनाए थे सिंपल से, इवन ऑड हो गया लाइक प्रोग्राम, जो बेसिक, और क्लास को यूज करके छोटे छोटे से फंक्शन, इनलाइन फंक्शन वगैरह हमने उसको यूज करके हमने प्रोग्राम्स बनाए थे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब हम डायरेक्ट फ्रेंड फंक्शन का प्रोग्राम तो बना नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो उसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं, बताया नहीं है, ठीक है। तो सिक्वेंशली जैसे जैसे हम उसको आगे पढ़ाते जाएंगे, इनलाइन फंक्शन आ गया, फ्रेंड फंक्शन आ गया, फंक्शन ओवरलोडिंग होगी, तो एक एक करके प्रोग्राम्स बनाते जाएंगे, सपोज 10 प्रोग्राम्स हो गए। अब वो प्रोग्राम्स हम स्टैक में रखते जा रहे हैं ना, क्योंकि हमें सिक्वेंशली लगाने पड़ेंगे फाइल में, तो यहाँ पे वही है, मेमोरी में क्या कंटेन्स द प्रोसेस कोड होगा, डेटा होगा और स्टैक, ठीक है। प्रोसेस लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो एक जो प्रोसेस है उसकी एक साइकिल होती है। अचानक से आके जैसे आपको स्टेज परफॉर्मेंस करनी है, आपको ये नहीं बोल दिया कि अभी जाके एकदम से गाना सुनाओ या डांस करो या रैंडम कुछ भी बोल दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको टाइम दिया जाता है, आप प्रैक्टिस करते हो, रिहर्सल करते हो, देन आफ्टर यू विल एबल टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, राइट। तो उसकी कुछ स्टेज होती है प्रोसेस की, कौन कौन सी होती है, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड। न्यू मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, प्रोसेस कोई एक नई क्रिएट हुई। रेडी मतलब क्या हो गया, प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू द सीपीयू, ठीक है। हम जो प्रोसेस जो रेडी में आई मीन्स कभी वेट कर रही होगी ना, ठीक है। जैसे हम रेलवे रिजर्वेशन की बात करें तो क्या कभी कभी हमारा टिकट वेटिंग में होता है, तो वेटिंग से आते आते कहाँ पे हम रेडी में आते हैं ना, तो क्लियर होता जाता है कभी कभी, फिर RAC भी कभी होता है, फिर हमारे क्लियर हो जाती है वो, ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट की। तो रेडी में आ गए, तो प्रोसेस जो वेट कर रही थी, अब हमने उस CPU को असाइन कर दिया, नहीं है रेडी में आ चुकी है, बस का एग्जीक्यूशन होना है, ठीक है। रनिंग की बात करें तो क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन आर बीन एग्जीक्यूटेड उस प्रोग्राम में। सपोज जो रेडी में जो प्रोसेस आई, वो प्रोसेस जो वो जो प्रोग्राम है वो क्या एग्जीक्यूट करा रहा है, सपोज इवन ऑड का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस कौन से एग्जीक्यूट होंगे, इवन ऑड वाले, तो इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, तो रनिंग में एग्जीक्यूट हो गया आपका। वेटिंग का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट, प्रोसेस किसी का इंतजार कर रही थी, या तो किसी प्रोसेस के कंप्लीट होने का कि ये कंप्लीट हो तो मेरा टर्न आए, या फिर कोई चीज उसे चाहिए थी, एक रिसोर्स की उसको आवश्यकता थी, जब वो मिल जाएगा दो प्रोसेस रनिंग में आके अपना एग्जीक्यूशन करेगी, ठीक है। टर्मिनेटेड का मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, मीन्स उस प्रोसेस ने अपना काम कर लिया, टर्मिनेट मीन्स एंड हो गई है, ठीक है। तो ये आपकी 5 स्टेट्स होती हैं किसकी, प्रोसेस की। अब प्रोसेस शेड्यूलिंग की बात करते हैं, तो शेड्यूल मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, टाइम टेबल एक शेड्यूल होता है, 50 मिनट्स का लेक्चर है, ठीक है, इसके बाद इतने का 20 मिनट्स का लंच है, लंच ब्रेक है, तो ये क्या कितने से कितने बजे तक का टाइमिंग्स है आपका कॉलेज का। तो डेफिनेशन की अगर बात करते तो क्या हो गया, द मैकेनिज्म बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड्स विच प्रोसेस रन्स एट एनी गिवन टाइम, किसी टाइम में कौन सी प्रोसेस कब रन करेगी, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब टाइप्स की बात करते हैं, तो टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग में दो तरह की शेड्यूलिंग होती है, प्रिमिटिव होती है, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इंटरप्ट अ प्रोसेस एंड स्विच टू अनदर, मीन्स बीच में कोई दूसरी प्रोसेस इंटरप्ट कर सकती है, चाहे वो प्रोसेस जो रनिंग वाली थी वो कंप्लीट हुई हो या ना हुई हो। सपोज अभी मैं लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, सपोज हायर मैनेजमेंट से
एक कोई बुलाने आता है कि सपोज डायरेक्टर ने, प्रिंसिपल ने, किसी ने मुझे बुलाया है, कोई बहुत अर्जेंट काम है, ठीक है, तो वो सपोज उसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, किसी दूसरे टीचर को टाइम बीइंग के लिए एंगेज करके जाऊंगी, ठीक है, तो अपना काम नीचे जाके कर लूंगी। तो टाइम बीइंग के लिए दूसरी प्रोसेस स्विच कर गई और उसने अपना काम किया, तो इंटरप्ट को कम्प्लीट, मीन्स मैंने अपना लेक्चर कम्प्लीट तो नहीं किया था ना, ठीक है, तो ये प्रिमिटिव के अंदर आ गया। नॉन प्रिमिटिव में क्या हो गया, प्रोसेस रन्स अंटिल इट कम्प्लीट्स और वॉलंटरली रिलिंक्विशेस कंट्रोल, मतलब प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बीच में कोई दूसरी प्रोसेस इंटरफेयर नहीं कर सकती, इंटरप्ट नहीं कर सकती एग्जीक्यूशन के लिए, या तो वो कंप्लीट हो जाए या फिर वॉलेंटरली उसको क्विट कर दे। जैसे अपन वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेते हैं ना, सपोज गवर्नमेंट ने 60 ईयर्स दिया है, टीचर्स को 62 दिया, डॉक्टर्स को 65, तो इट डिपेंड्स कितने साल के बाद आपकी जो जॉब होती है वो कंप्लीट हो जाती है, आप रिटायरमेंट के उसमें आ जाते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, ठीक है बहुत जॉब कर लिया, अपन वॉलेंटरली रिटायरमेंट हम ले लेते हैं, इट मीन्स जरूरी नहीं कि आप 60 साल तक इंतजार करें, आप उसके पहले भी वॉलेंटरली रिक्वायर जो आपका रिटायरमेंट है वो ले सकते हो, ठीक है, तो ये नॉन प्रिमिटिव के अंदर आता है। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हम पढ़ेंगे, इसमें क्या चार एल्गोरिथम्स बताएंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व CFS, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट SGN, राउंड रॉबिन और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। ये हम शेड्यूलिंग वाले जब यूनिट पढ़ेंगे उसको एक एक करके विद न्यूमेरिकल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक, तो अभी के लिए इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही, अभी आपके लिए बहुत है। अब नेक्स्ट हम आते हैं फाइल्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं, फाइल क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ कंप्यूटर, कोई फाइल है क्या, है डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर में आपकी स्टोर है, दैट इज कॉल्ड फाइल, ठीक है। अब इसका जो फाइल सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या आता है, डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज, जैसे आपने देखा ना फोल्डर्स वगैरह बना रखा है, सपोज आप बीटेक में हो तो बीटेक के लेक्चर नोट्स है, तो लेक्चर नोट्स आपने डाले बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या फिर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग डाल दो, उसके अंदर कौन सा सब्जेक्ट, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, कंपाइलर है, TOC, अलग अलग आपने फोल्डर्स बना दिए, अलग अलग उस फोल्डर्स में आपने नोट्स बना दिए, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूनिट, तो आपके कैटेगराइज कर दे, क्लासीफाई कर दे, ताकि आपको ईजी हो जाए, तो डायरेक्टरी हो सब डायरेक्टरी लाइक फोल्डर्स और सब फोल्डर, ठीक है। और फाइल के टाइप क्या हो जाएंगे, रेगुलर फाइल्स हो सकती है, डायरेक्टरीज हो सकती हैं, सिम्बॉलिक लिंक्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, जिस डिग्री में से पढ़ रखा था आपने, ठीक है, एट्रीब्यूट होता है, एंटिटी होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरह से इसमें भी होते हैं, उसका नाम होगा क्या, किस नाम से, सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम की फाइल है, किस टाइप की, ये PPT है, डॉक्यूमेंट फाइल है, ठीक है, ये एक्सेल फाइल है, किस तरीके, उसका साइज कितना है, KB में, MB में, किस में है, परमिशन हम उसको सिर्फ देखने की, व्यूअर की परमिशन देंगे, एडिट की परमिशन देंगे, टाइम स्पेंड कितने टाइम तक, ठीक है, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब हम आते हैं ऑपरेशंस पे, तो बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं फाइल के, क्रिएशन, रीडिंग, राइटिंग, डिलीशन, कॉपिंग एंड मूविंग, ठीक है। क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, कोई भी नई फाइल है आप उसको क्या करोगे, बनाओगे, रीडिंग में क्या करोगे, ये फाइल को रिट्रीव करोगे, इसे एक्सेस करोगे, राइटिंग में क्या करोगे, ऐड करोगे या मॉडिफाई करोगे डेटा को फाइल में, डिलीशन में क्या करोगे, रिमूविंग फाइल फ्रॉम द फाइल सिस्टम, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, कॉपी करना, मूव करना, ठीक है, इसमें क्या करोगे, आप ट्रांसफर कर सकते हो फाइल को, यहाँ से डेटा कॉपी किया वहां ले गए, या यहाँ से इस फोल्डर को मूव करा के वहां ले गए, ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं। आप सिस्टम कॉल्स फॉर फाइल ऑपरेशन, सिस्टम कौन कौन से सिस्टम कॉल्स होते हैं फाइल ऑपरेशन के लिए, जैसे ओपन हो गया, रीड हो गया, राइट हो गया, क्लोज हो गया, अनलिंक हो गया, ठीक है, तो ये सिस्टम कॉल जनरेट होंगे, तो ये जो ओपन फंक्शन है अपना काम करेगा, ओपन करने का काम करेगा, रीड रीड करने का काम करेगा, ये अपने अपने जो फंक्शंस हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपना अपना काम करेंगे सिस्टम कॉल्स आने पर। प्रोसेस वर्सेस फाइल ऑपरेशंस, इन दोनों बेसिकली कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो अंतर क्या देखते हैं, प्रोसेसेस क्या होती है, फोकसेस ऑन CPU एंड मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और मेमोरी मैनेजमेंट, इन दोनों के ऊपर फोकस रहता है, ठीक है। फाइल की बात करते हो तो फाइल इसमें कहाँ पे फोकस रहता है, डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल,
कहाँ पे उस वो स्टोर है और उसको रिट्रीव क्या, किस चीज को उसको रिट्रीव करा है। ठीक है, इंटरेक्शन की बात करते हैं तो प्रोसेसेस ऑफन इंटरेक्ट विद फाइल्स फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। प्रोसेस क्या करेगी, फाइल्स से इंटरेक्ट करेगी, उसके साथ इंटरेक्ट करेगी किसके लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से परफॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल पे हम आते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सिक्योरिटी इस नाम से पता चला है हमें किसी को परमिशन देनी पड़ेगी, कौन उसको एक्सेस कर सकता है। जैसे आपका मोबाइल है, पिन जिसको पता होगा वही एक्सेस कर सकता है, जो पासवर्ड पता होगा वो इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो फाइल परमिशन में क्या हो गया, रीड राइट एक्सिक्यूट परमिशन फॉर फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ठीक है, आप यूजर ग्रुप अदर्स लेवल्स ऑफ एक्सेस, हर को एक अलग अलग एक्सेस। जैसे टीचर, एज ए टीचर आपके अटेंडेंस अगर मैं ये मुझे लगानी है तो मुझे सिर्फ लगाने का एक्सेस होगा, आपको सिर्फ उस अटेंडेंस को देखने का एक्सेस होगा। ठीक है, और मैनेजमेंट और जो इसमें अंदर और ऊपर के हायर लेवल के लोग हैं उनको और भी इससे सपोज इसको चेंज करने का, जो आपके नाम है उसको हटाने का या वहां से डिलीट करने के राइट होंगे। सपोज अगर ये वाला राइट हम लोगों को नहीं दिया जाएगा, क्यों, हमको सिर्फ अटेंडेंस लगानी है, हमें सिर्फ उतने, हमें सिर्फ उसमें अटेंडेंस लगाने का राइट परमिशन दी जाएगी। तो डिपेंड्स कि हम किसको कितनी परमिशन दे रहे हैं। प्रोसेस सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यूजर आईडी जिसको हम UID बोलते हैं, ग्रुप आईडी, GID। ठीक है, ये क्या करेगा, आइडेंटिफाई द ओनर एंड ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। ये आईडी क्या करते हैं कि उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली जैसे आप लोग लैब्स में जाते हैं कि यूजर का ग्रुप होता है एडमिन का, तो बेसिकली जितने भी सिक्योरिटी लेवल के इश्यूज होते हैं, पासवर्ड रिलेटेड इश्यू जो रिलेटेड टास्क होते हैं वो थ्रू एडमिन की तरफ से परफॉर्म हो रहे होते हैं। कि आप कोई एप्लीकेशन अपने मन से इंस्टॉल नहीं कर सकते, अपने जैसे आप लैपटॉप पे घर पे अपने परमिशन होती है, डेस्कटॉप पे लैपटॉप पे आप कर सकते हो, बट बाहर नहीं कर सकते क्योंकि वो एडमिन के थ्रू प्रोसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात करते हैं जिसको शॉर्ट में ACL बोलते हैं, स्पेसिफाई डिटेल्ड परमिशन फॉर यूजर्स एंड ग्रुप्स। ठीक है, इसमें डिटेल परमिशन दी जाती है कि कौन, किसने एक्सेस किया है, किस टाइम पे एक्सेस किया है, किस डेट को एक्सेस किया है, ये सारी चीजें क्या क्या एक्सेस किया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप इसको पढ़िए। ठीक है, और कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना सेशन है उसमें नेक्स्ट टॉपिक फिर से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन यू टेक केयर।